हम लोग अब क्या अब तक जो पॉइंट रीड आउट किए हैं, ठीक है, अब तक जितने भी पॉइंट हो चुके हैं ठीक है, उनके पॉइंट उनके क्वेश्चन हम लोग 3 स्टेप में कर रहे हैं। वेरी सिंपल, डू विथ योर सेल्फ सम क्वेश्चन एंड फाइनली मॉड्यूल, ठीक है। मतलब कुछ सिंपल से क्वेश्चन करके फिर क्वेश्चन आपको करने हैं कुछ, और फिर मॉड्यूल क्वेश्चन इस क्लास के अंदर। अभी हमारी क्लास जो है इस क्लास के अंदर हम लोग ये चीज कंप्लीट करने वाले हैं। देन यू विल अलाउड अनदर 40 मिनट्स, जिसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा वो आपको कंप्लीट करना है, और उसके बाद आप इस एक को क्लास रखेंगे जिसके अंदर मॉड्यूल क्वेश्चन आज के निपटा देंगे। मतलब कुल मिला के आपको अब चीजों को ढंग से मैनेज करना है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो देखना, सब में मैं ईयर चेंज कर रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। तो सबसे पहले आप लोगों को पॉइंट आते ही सबसे पहले उस पॉइंट की थ्योरी याद रख लो। देखो सबसे पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये देख लो कैपिटल एसेट है या नहीं है। सेकंड चेक करो कि वहां पे कैलकुलेशन करनी है और कौन सी कैलकुलेशन करनी है उसकी थ्योरी पहले इस साइड में लिख लो। मतलब जो पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल यह समझाता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। समझा, मिस्टर ए सोल्ड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ विनोद मिल्स लिमिटेड ऑन 15 जून 2020, ठीक है, सब में ईयर चेंज कर दिया मैंने, 15 जून 2020 एट द रेट ऑफ 400 पर शेयर, ठीक है, 500 शेयर्स बेचे हैं 15 जून 2020 को 400 पर शेयर के हिसाब से। ही रिसीव्ड दीज शेयर्स फ्रॉम द कंपनी एज बोनस शेयर्स इन 2007-8। अब ये शेयर किसमें मिले थे? बोनस। तो जैसे ही बोनस आया तो आप लोग इस क्वेश्चन को दिमाग मत लगाओ, आप फातियुआत लिख लो यहां पे। क्या देखो बोनस शेयर है, बोनस शेयर में क्या होता है भाई, बोनस शेयर के दो रूल है, रिसीव्ड जसवंत इट्स रॉन्ग। बोनस शेयर के दो रूल है, रिसीव्ड बिफोर 2001, तो कॉस्ट क्या होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ 2001, एंड रिसीव्ड आफ्टर 2001। तो मैंने इमीडिएटली ये पॉइंट की थ्योरी लिख लिया तो साइड में कैसी रफ पेपर पे। इससे क्या होगा, मुझे अब ये ध्यान है कि मुझे इसका ध्यान रखना, बाकी सब नॉर्मल है। तो भाई बोनस शेयर्स कब मिले थे, बोनस शेयर्स कब मिले थे, 7-8 में, बेचे कब है, 2020 में। हो गए, बाय डिफॉल्ट शेयर्स क्या होते हैं, अनलिस्टेड, विदाउट इंफॉर्मेशन शेयर्स क्या होंगे, अनलिस्टेड। तो अनलिस्टेड है 2 साल ध्यान रखने, तो 2 साल से ज्यादा हो गए ना, 2 साल से ज्यादा हुए या नहीं हुए, हो गए, तो गेन कौन सा हुआ, लॉन्ग टर्म। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2007 वाज ₹60 पर शेयर, ठीक है, ये क्या हो गए, 1 अप्रैल 2007 को इनकी फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी, पर ये हमारे काम में आती नहीं, हमारे कौन सी आती है, 1 अप्रैल 2001 की,
हमारे 2007 की मार्केट वैल्यू काम में नहीं आती है। चलो ठीक है, ही पेड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 2% ऑफ सेल प्राइस। तो देखो अब पॉइंट्स कवर करते हैं। सबसे पहले बोनस शेयर्स हैं, सबसे पहले बोनस शेयर्स हैं, कब रिसीव्ड हुए हैं, रिसीव्ड कब हुए हैं, 7-8 2001 के बाद। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, जीरो। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, जीरो। तो नाउ यहां पे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन बोनस शेयर्स, सेल कितने में किए हैं, 500 शेयर्स 400 रुपए के हिसाब से 2,00,000। लेस सेलिंग एक्सपेंसेस, 2% ब्रोकरेज दिया था, $1,96,000 नेट सेल्स। ठीक है, नेट सेल में से लेस कर दो, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज। लेकिन बोनस शेयर्स की कॉस्ट क्या है, बोनस शेयर्स रिसीव्ड आफ्टर कॉस्ट क्या है, जीरो। अब जब कॉस्ट जीरो है तो उसको इंडेक्सेशन भी क्या होगा, जीरो। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो तो रेज हैंड कर दो, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी, पॉइंट नंबर सेकंड, मिस्टर बी सोल्ड द गुडविल ऑफ हिज बिजनेस ऑफ विच ही वॉज द सोल प्रोप्राइटर ऑन 20th जुलाई 2020 फॉर ₹3,42,000। अब क्या है, गुडविल। गुडविल देखते दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार, इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट आते ही दिमाग में क्या आता है कि भाई अगर सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट जीरो होगी, और अगर परचेज्ड है तो कॉस्ट होगी एक्चुअल परचेज कॉस्ट, डोंट कंपेयर विथ मार्केट वैल्यू ऑफ 1st April 2001। 2001 की मार्केट वैल्यू से कंपेयर करने की नीड नहीं है। आई बात समझ में? तो हमेशा जब वो पॉइंट आता है ना, उसकी थ्योरी लिख लो साइड में, और मेक श्योर कि आपको थ्योरी अच्छे से याद है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान में है कि आप ये चेक करना है कि अगर सेल्फ जनरेटेड है तो जीरो हो जाएगी, और परचेज है तो भाई एक्चुअल परचेज कॉस्ट 2001 की मार्केट वैल्यू का ध्यान नहीं रखना है। सो चलो देखते हैं। तो भाई उसने 2020 में गुडविल सेल की है, ही हैड परचेज्ड। अब परचेज देखते दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, ये परचेज है तो एक्चुअल परचेज कॉस्ट कंसीडर करनी है, 2001 की मार्केट वैल्यू का यूज नहीं है,
ठीक है, तो ही हैड परचेज दिस बिजनेस इन 1998 बाय वे बाय पेइंग अ सम ऑफ रुपीज 30,000 फॉर गुडविल. द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ दिस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2001 वाज रुपीज 40,000, बट गुडविल के केस में 1 अप्रैल 2001 की मार्केट वैल्यू का कंसीडर नहीं करते हैं. तो सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पे ड्यूरेशन कितना टाइम ध्यान रखोगे, 1 साल 2 साल या 3 साल? 1, 2, 3 लिखना, 3 इयर्स लिखने की जरूरत नहीं है. और चलो ठीक है, अगर यहां पे गुडविल लिस्टेड होती तो, अगर गुडविल लिस्टेड होती तो गुडविल लिस्टेड या अनलिस्टेड होती ही नहीं है, ठीक है. गुडविल लिस्टेड होती ही नहीं है, तो आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, तो मजाक कर रहा था मैं, ठीक है. तो भाई 2020 में गुडविल बेची थी, 98 में परचेज की, हो गए 3 साल से ज्यादा हो गए, तो गेन कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. तो सेल कितने में की है? 3,42,000 लेस सेलिंग एक्सपेंसेस है ही नहीं, ये नेट सेल्स हो गई. नेट सेल्स के बाद में इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज, तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज क्या हो जाएगी? कॉस्ट और 2001 की मार्केट वैल्यू, लेकिन गुडविल के केस में 2001 की मार्केट वैल्यू का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है. तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होगी? सॉरी, कॉस्ट ऑफ परचेज 30,000, इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर, इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर, परचेज ईयर 1998, 100 इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर जो भी 2021, 301, तो ये हो जाएगी आपके 90,300 और ये हो जाएगा 2,51,700. ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. नेक्स्ट, अब इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम आई तो रेज हैंड, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो रेज योर हैंड. नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, मिस्टर सी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एट अजमेर सिंस 1st August 2006, ठीक है. ही ट्रांसफर्ड हिज प्रैक्टिस टू अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर एक्स ऑन 25th August 2020 एंड चार्ज रुपीज 4 लाख टूवर्ड्स गुडविल. तो यहाँ पे एसेट कौन सी है? इंटेंजिबल. इंटेंजिबल देखते हैं, दो बात ध्यान माननी चाहिए कि यार अच्छा परचेज्ड है तो 2001 की मार्केट वैल्यू का ध्यान नहीं रखना है, और अगर सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट क्या होगी? जीरो. तो यहाँ इस पूरे पॉइंट के अंदर कहीं पे भी लिखा हुआ है क्या कि उसने गुडविल परचेज की है? कहीं भी लिखा हुआ है क्या गुडविल परचेज की है उसने? कहीं पे भी नहीं है. अब जब कहीं पे भी ये चीज नहीं लिखी हुई है तो फिर ये क्या हुई? सेल्फ जनरेटेड. अब जब सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट क्या होगी? अगर सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट क्या होगी? जीरो, ठीक है. सिंपली
गेन कौन सा हुआ? 2006 से 2019, सो 20 हो गए 3 साल से ज्यादा, तो गेन क्या हो गया लॉन्ग टर्म? सेल, तो सेल कितने में करा है? फुल रुपीज लेस सेलिंग एक्सपेंसेस, नेट सेल्स, सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट क्या होगी? 0, 4 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आया समझ में? यस और नो? हाँ ऑब्वियसली उसी गुडविल से जनरेटेड होगी ना, हम उसी की कैलकुलेशन कर रहे हैं जसवंत, है ना। चलो नेक्स्ट और आईएमपी पॉइंट, थोड़ा सा आईएमपी है। मिस्टर डी इज अ बिजनेसमैन, ऑन 1st सितंबर 2008 ही कन्वर्टेड अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड फॉर हिज बिजनेस। मिस्टर डी एक बिजनेसमैन है, 1 सितंबर 2008 को ही कन्वर्टेड अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड फॉर हिज बिजनेस, ठीक है। ऑन दैट डे इट्स फेयर मार्केट वैल्यू वॉज रुपीज 4 लाख, बट ही रिकॉर्डेड रुपीज 6 लाख इन हिज बुक्स। तो यहाँ पे पॉइंट क्या स्ट्राइक करना चाहिए फटाक से, कन्वर्टेड अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा तो यहाँ पे पॉइंट क्या लिख देंगे फटाक से, मैं क्या लिख दूंगा, कैपिटल एसेट को स्टॉक में, तो फटाक से मैं लिख दूंगा भाई सेल प्राइस इसमें क्या होती है, कन्वर्जन डेट की मार्केट वैल्यू। सेल ईयर किसको मानते हैं? कन्वर्जन ईयर को। और कैलकुलेशन टाइम क्या होता है? जब वो एसेट एक्चुअली सेल हो जाए। आई बात समझ में? तो भाई अगर मैं यहां पे इस पॉइंट के हिसाब से चलता हूं, तो सबसे पहले मिस्टर डी इज अ बिजनेसमैन, ऑन 1st सितंबर 2008 ही कन्वर्टेड अ कैपिटल एसेट, कन्वर्टेड कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। तो ये मेले क्या हो गया, जिस साल कन्वर्ट करेगा वही मेले क्या होगा, सेल ईयर। ऑन दैट डे, ऑन दैट डे मतलब कन्वर्जन वाले दिन, कन्वर्जन वाले दिन इट्स फेयर मार्केट वैल्यू वॉज रुपीज 4 लाख। कन्वर्जन वाले दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू मतलब ये मेल हो गई सेल प्राइस, बट ही रिकॉर्डेड 6 लाख इन हिज बुक्स, पर बुक्स में रिकॉर्ड करने की वैल्यू का ध्यान नहीं रखना है। द कैपिटल एसेट वॉज परचेज बाय हिम ऑन 10th जून 2003 फॉर रुपीज 60,000, ठीक है। पंकज जी इट्स अमेंडेड, अब प्रोफेशन की गुडविल को कैपिटल एसेट मानते हैं, ठीक है। द एसेट वॉज परचेज बाय हिम ऑन 10th जून 2003 फॉर रुपीज 60,000, तो परचेज कब किए, 10 जून 2003 को 60,000 रुपए में। He sold it on 30th September. अब देखो सुनना, सेल ईयर मिल गया, सेल प्राइस, पर कैलकुलेशन कब करते हैं भाई, मुझे तीन चीजें चाहिए थी, सेल प्राइस, सेल ईयर और कैलकुलेशन टाइम। सेल प्राइस मिल गई, सेल ईयर मिल गया, कैलकुलेशन टाइम क्या होता है, जब वो एसेट एक्चुअल में सेल हो जाएगी। तो ही सोल्ड इट ऑन 30th September 2020 for rupees 5 lakh
80,000. तो मैं कैलकुलेशन टाइम क्या हो गया, जो वो बेच रहा है, मतलब मैं कैलकुलेशन किसमें करूंगा, 20-21 में. ओके, गॉट इट. तो गेन कौन सा हुआ, तो भाई 2003 में खरीदी थी, 2008 में कन्वर्ट करा है, हो गए 3 साल से ज्यादा. तो गेन कौन सा हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेल प्राइस, मार्केट वैल्यू ऑन कन्वर्जन डेट, जो कितनी थी, कितनी, 4 लाख, सॉरी. लेस सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है तो यही नेट सेल्स, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, तो कॉस्ट और 2001 की मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर. तो कॉस्ट है 60,000, इंडेक्स नंबर दे रखा है 2000, कब परचेज की थी, जून 2003, मतलब 3-4 में, और 3-4 का इंडेक्स नंबर दे रखा है 109 इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ये 301. थैंक यू आयशा. Will be 1,65,000. Well done, Jaswant. 34,312. Okay. Points on Maya ya gaya? 2008-09 कन्वर्जन वाला ईयर होगा ना, सॉरी, और 2008-09 का इंडेक्स नंबर है 137. फ्लो में थोड़ा जल्दी के चक्कर में, ठीक है, चलो नेक्स्ट. टू सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, नहीं तो रेज हैंड. चलो, मिस्टर ई गॉट अ बिल्डिंग बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर ऑन 10th October 2010. ठीक है, तो देखो, गिफ्ट में अगर कोई चीज देते हो, समझना इसको लॉजिक है ना, कंफ्यूजन में यही क्लियर कर रहा हूँ, बाद में नहीं आना चाहिए, ट्राई यही करना. अगर कोई चीज गिफ्ट में देते हो तो हम उसको ट्रांसफर ही नहीं मानते, ट्रांसफर नहीं मानते तो लॉजिकली नो कैपिटल गेन. ठीक है, तो यहां पे समझना हुआ क्या, 10 अक्टूबर 2010 में मिस्टर ई के ग्रैंडफादर ने उनको कोई बिल्डिंग गिफ्ट में दी. किसने दी है, ग्रैंडफादर ने ई को, और वो भी किसमें, गिफ्ट में. अभी मैंने बोला गिफ्ट को नो ट्रांसफर,
नो कैपिटल गेन, पर किसके लिए? ग्रैंडफादर ने गिफ्ट में दी ना, तो वो कैपिटल गेन किसके लिए नहीं हुआ? तो 2010 में जब ग्रैंडफादर ने ई को गिफ्ट में दी तो ग्रैंडफादर को कोई कैपिटल गेन नहीं हुआ होगा। ग्रैंडफादर को 2010 में कोई कैपिटल गेन नहीं हुआ होगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो गिफ्ट में दी है और गिफ्ट को हम लोग ट्रांसफर नहीं मानते हैं। ओके, अब बिल्डिंग किसके पास में है? ई के पास में। अब अगर सोचो, ई अगर उसको आगे सेल कर देता है, तो भाई देखो ग्रैंडफादर ने तो गिफ्ट में दी थी, तो ग्रैंडफादर को तो कोई कैपिटल गेन नहीं हुआ। अगर अब बिल्डिंग आ गई ई के पास में और ई उसको बेच देता है, तो ई तो बेच रहा है ना, ई को तो कैपिटल गेन होगा। ई तो सेल कर रहा है ना, तो ई को कैपिटल गेन होगा ही होगा, श्योर है। ठीक है, तो ये पॉइंट सबके समझ में आया या नहीं आया? You can raise your hand. You can raise your hand. अगर नहीं समझ में आया है तो I will repeat. नहीं, E के लिए वो परचेज नहीं देगा समझना। चलो ये पॉइंट ये लैंग्वेज सबके समझ में आ गई ना, तो चलो समझते हो। तो मिस्टर ई गॉट अ बिल्डिंग बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडफादर ऑन 10th October 2010, पर यहाँ पे हमने उसको ट्रांसफर मानना ही नहीं, तो बात ही खत्म। ग्रैंडफादर हैड एक्वायर्ड मतलब परचेस्ड द प्रॉपर्टी इन द प्रीवियस ईयर 784 rupees 2 lakh। तो हमारे लिए ग्रैंडफादर का जो ओल्ड ऑनर होता ना, ओरिजिनल ऑनर या ओल्ड ऑनर या एक्चुअल ओनर बोल दो, उसी का परचेज ईयर और उसी की कॉस्ट ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हमने कुछ मानना ही नहीं था ना, तो जो ओल्ड ओनर होगा, तो यहाँ पे मेरे लिए परचेज ईयर क्या है 7-8 और कॉस्ट भी कितनी है 2 lakh। मतलब अगर कोई बीच में गिफ्ट में कोई चीज मिली है आपको, फॉर एग्जाम्पल उर्वी को कोई चीज गिफ्ट में मिली आज, अब एक पूरा एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं, मैंने मतलब पीयूष ने कोई बिल्डिंग खरीदी 10 lakh rupees में आज 2021 में। पीयूष ने 2021 में एक बिल्डिंग खरीदी 10 lakh में, 2023 में वो बिल्डिंग मैंने उर्वी को गिफ्ट में दे दी। उर्वी आपको गिफ्ट में ली है ना, एक बिल्डिंग उर्वी को गिफ्ट में मिल गई, कब? 2023 में। अब उर्वी उसको 2025 में बेचती है, तो 2023 में उर्वी को तो वो चीज गिफ्ट में मिली ना, तो फिर कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होगी? तो गिफ्ट के केस में जो एक्चुअल ऑनर होता ना, यहां पे एक्चुअल ऑनर कौन था? मैं, पीयूष। तो मेरी जो कॉस्ट थी ना 10 lakh, वही उर्वी की कॉस्ट मान ली जाएगी, मतलब पिछले ऑनर की कॉस्ट। इस क्वेश्चन में ग्रैंडफादर की जो कॉस्ट थी वही ई के लिए कॉस्ट मानी जाएगी। ओके, कोई डाउट है तो रेज हैंड। चलिए, तो परचेज ईयर हो गया 7-8, परचेज कॉस्ट हो गए 2 lakh। ऑन 10th March 2020 मिस्टर ई बिकम, हाँ उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा फाल्गुनी, मार्केट वैल्यू 2003 की कोई मार्केट वैल्यू होगी, उसका कोई यूज नहीं होगा, है ना। तो ऑन 10th March 2021 मिस्टर ई बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, मिस्टर ई बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का पॉइंट आ गया, फर्म के पॉइंट में क्या था? कैपिटल एसेट अगर फर्म को देते हैं, सेल प्राइस
क्या मानते हैं वैल्यू रिकॉर्डेड इन बुक्स, सेल ईयर क्या मानेंगे, कैलकुलेशन ईयर भी सेम ही होगा इसके अंदर, कैलकुलेशन टाइम या सेल ईयर क्या मानेंगे, ट्रांसफर ईयर। ओके, तो इन दिस केस वो पार्टनर का बन गया 10/2021 में, तो ये मेरा क्या हो गया, सेल ईयर, सेल ईयर एंड इंट्रोड्यूस्ड दिस बिल्डिंग एज इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फर्म। द मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ऑन 10th March 2021, ट्रांसफर वाले दिन है ना, मार्केट वैल्यू दे रखी 8 लाख, बट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म वाज रुपीज एट रुपीज 14,50,000। तो फर्म के केस में किसका ध्यान रखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वैल्यू का, मतलब जो रिकॉर्डेड वैल्यू है उसका ध्यान रखते हैं, मार्केट वैल्यू का ध्यान नहीं रखते हैं। तो मेरी सेल प्राइस क्या हो गई, 14.5 लाख, सेल ईयर कौन सा हो गया 2021, और बाकी सब गिवन नहीं है, तो फटाफट से क्या निकल जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल प्राइस, सेल प्राइस कितनी है, बुक वैल्यू ऑफ फर्म जो कितनी है 14,50,000 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। तो कॉस्ट ऑफ परचेज क्या मानी जाएगी, जो ओरिजिनल ऑनर की कॉस्ट है, ठीक है, तो परचेज ईयर क्या था 7/8, और 7/8 का इंडेक्स नंबर था 129 और ट्रांसफर ईयर है 301। ठीक है, बताओ क्या हो रहा है आंसर, थोड़ा फास्ट, 4, ठीक है, तो ये गए आपके 9,83,334। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, मिस्टर एफ सोल्ड 1000 डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑन 20th September 2020 एट द रेट ऑफ 250 पर डिबेंचर। 100 रुपए का तो डिबेंचर है, उसकी फेस वैल्यू है, ये ना कॉस्ट है ना सेल प्राइस है, केवल ये फेस वैल्यू है, केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। तो 1000 डिबेंचर, डिबेंचर का यूनिक रूल क्या है, डिबेंचर और बॉन्ड्स की कॉस्ट को इंडेक्स नहीं करते हैं। तो भाई 1000 डिबेंचर सेल किए हैं, 100 रुपए का था 250 रुपए के हिसाब से, ठीक है, एंड पेड ब्रोकरेज सेलिंग एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 2% ऑफ सेल प्राइस। ही परचेज्ड दिस डिबेंचर इन 12/13 फॉर रुपीज 1,20,000 और ये लिस्टेड है, लिस्टेड है तो 1 साल, तो सेल प्राइस कितनी हो जाएगी, 1,000 × 250, 2.5 लाख लेस सेलिंग एक्सपेंसेस, वही सेलिंग एक्सपेंस 2% लेस हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन डिबेंचर, भाई सेल कितने में, 1000 डिबेंचर 250 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख, 2% 5,000, 1,20,000, तो आई विश कि आपको सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं, आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं,
तो आई एम सेंडिंग सम क्वेश्चंस, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूं, और 1 o'clock से पहले पहले वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके उनके आंसर्स मुझे भेज देंगे, ठीक है? मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ, 1 o'clock से पहले पहले मुझे सॉल्व चाहिए वो सारे क्वेश्चन। एनी हाउ, गुड बाय, टेक केयर।